नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बात करते हैं क्रिकेट जगत की प्रमुख खबरों के बारे में। हरमनप्रीत कौर ने रोहित शर्मा, विराट कोहली और एमएस धोनी की एक शब्द में कर दी तारीफ। जी हां, दुनिया में कई ऐसे अनगिनत खिलाड़ी हैं जो कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी को अपना आदर्श मानते हैं। इनमें से ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम की दिग्गज खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर भी शामिल है। दरअसल हरमनप्रीत कौर के एक फैंस ने उनसे पूछा कि भारतीय के दिग्गज खिलाड़ियों को एक शब्द में बयां करना होगा तो आप क्या कहेंगी। वहीं हरमनप्रीत ने यहां विराट कोहली के लिए एनर्जी शब्द का इस्तेमाल किया। वहीं जो रोहित शर्मा है उनको गिफ्टेड बताया है और महेंद्र सिंह धोनी को लेजेंड शब्द से नवाजा है। इसके साथ ही बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोच रमेश पवार के साथ मतभेदों पर कप्तान मिताली राज ने तोड़ी चुप्पी। जी हां, 2018 T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल्स में बाहर होने के बाद पवार और मिताली के बीच मतभेदों की खबर आई थी, लेकिन इस मतभेद पर चुप्पी तोड़ते हुए मिताली राज ने क्या कहा है, आइए मैं आपको बताती हूँ। दरअसल मिताली ने कहा है कि हम अतीत में नहीं जी सकते, मैं वर्षों से खेल रही हूँ, मेरे अंदर अहंकार नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे में व्यक्तिगत मुद्दों को मुझे ज़्यादा महत्व नहीं देना है। इसके साथ ही बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हार्दिक पांड्या अपनी पत्नी और बेटे के साथ मस्ती करते हुए दिखे। जी हाँ, हार्दिक पांड्या जो है, जो टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर कहे जाते हैं, यहाँ टीम इंडिया के जो स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या कहे जाने वाले, वो अपनी वाइफ नताशा के साथ 8 महीने बेटे के साथ फुर्सत के हसीन पल बिता रहे हैं। अपने बेटे के साथ ये स्टार कपल समंदर के किनारे मस्ती करता हुआ नजर आया। नताशा इंस्टाग्राम पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। उन्होंने ही अपने परिवार के साथ ये तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पेज से शेयर किया है। इसके साथ ही बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टेस्ट में सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में कुंबले से आगे निकल सकते हैं एंडरसन। जी हां, इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में भारतीय दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले से भी आगे निकलने के लिए तैयार हैं। जी हां, 38 साल के एंडरसन ने 160 टेस्ट मैचों में अब तक 614 विकेट चटकाए हैं। वहीं अनिल कुंबले के 619 रिकॉर्ड के तोड़ने के लिए वो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। क्या विराट की टीम WTC में अपना इतिहास बना पाएगी? जी हां, भारतीय टीम जो है 18 जून से WTC के फाइनल में न्यूजीलैंड से भिड़ेगी। यह मुकाबला जो है वो साउथहैम्पटन के रोज बॉल स्टेडियम में खेला जाएगा। इसी बीच विराट कोहली के जो बचपन के कोच है राजकुमार शर्मा, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय टीम कोहली की कप्तान में ICC के इस बड़े टूर्नामेंट को जीतकर इतिहास रचने को तैयार है। इसी बीच उन्होंने कहा है कि विराट की कप्तानी में टीम इंडिया ने कई सारे रिकॉर्ड्स कायम किए हैं और मुझे उम्मीद है कि भारतीय टीम ICC के इस बड़े टूर्नामेंट को जीतकर इतिहास रचेगी। आज खेल जगत में बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ PR।